देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी। हांची के गांव जग्गाबाड़ा में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 60 कबड्डी की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी राजदेव द्वारा की गई। इस दौरान प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि रिंकू सैनी ने शिरकत की। वह प्रतियोगिता में आए हुए बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया व उनका हौसला बढ़ाया। से जो है यहाँ पर टीम ये कबड्डी की टीम है और यहाँ बाहर से पूरे हरियाणा प्रदेश की टीम में आई हुई है। 60 से भी लगभग ऊपर टीमें यहाँ पर पहुंची हैं अलग अलग हल्के से, और हरियाणा प्रदेश में पूरा युद्ध क्षेत्र के ऊपर जो कबड्डी ग्राम जगहवाड़ा में करवाई जा रही है, बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। इसके जो संयोजक है वो देवराज सैनी और ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच सभी गाँव के लोगों ने मिलकर के सहयोग कर करके ये कबड्डी टीम आई है, और हमें उम्मीद है पूरे विश्वास पे इस बात का कि आगे भी ये पूरा गांव मिलकर के बहुत अच्छी कबड्डी टीम हमेशा कराते रहेगा और बच्चों को नशे से दूर रखते हैं ये, और बड़ा सराहनीय कदम है। ऐसे कदम पूरे हरियाणा प्रदेश में हर गांव को उठाना चाहिए कि समय समय पर खेल कराएं ताकि बच्चों का उत्साह रहे, उनकी भावना खेल के प्रति। ये मतलब हरियाणा मतलब पूरा स्टेट लेवल पे कबड्डी प्रतियोगिता कराई है, जिसमें 57 टीमें आई है और हमारे तीसरा राउंड हमारा चल रहा है, छठा मैच चल रहा है, उसके बाद सातवां राउंड में फाइनल हो जाएगा। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।